डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत बुल्लावाला मारखम ग्रांट में ई श्रम कार्ड वितरण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगभग 300 से अधिक श्रमिकों को एक किट के रूप में साइकिल, कंबल, सिलाई मशीन और छाता वितरित किए। 200 से अधिक महिला श्रमिकों को और 100 से अधिक पुरुष श्रमिकों को ये सामग्री वितरित की गई। पूर्व सीएम ने कहा कि समाज के हर वर्ग का सशक्तिकरण हमेशा से ही हमारी प्राथमिकता रही है। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों की लागत से बन रही सड़क का कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जल्द ही बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति करवाने की भी बात कही। आपको बता दें कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काफी लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी हुई सड़क के निर्माण की मांग क्षेत्र के लोगों के द्वारा की जा रही थी। बिल्कुल बरसात में रास्ता कीचड़ हो जाता था। इसमें जो सरकार द्वारा पैसा स्वीकृत किया गया है 8 लाख रुपया और यहाँ पर 100 CC मार्ग बनेगा, इसलिए इससे लोगों के जो इस क्षेत्र के जो मोहल्ले के लोग हैं, स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं, इससे सड़क बनने से यहाँ के लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन दीपक बाली ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए महुआ खेड़ागंज में यात्रा निकाली। ये यात्रा 14 दिन तक क्षेत्र के गांवों में घूमेगी। दीपक बाली ने बताया कि यात्रा के दौरान जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और इस दौरान जो भी समस्याएं आएंगी उनके निस्तारण के लिए सीएम पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कर संबंधित विभागों से भी समस्याओं के निस्तारण के लिए बात की जाएगी। मुख्यमंत्री पोर्टल पे डालूंगा और संबंधित विभागों को डालूंगा और एक डाटा तैयार करूंगा। 2022 में जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो जनता के लोगों को मेरे को समस्याएं बताने नहीं आना पड़ेगा। मैं सब अपनी आंख से देखना चाहता हूं, इसलिए 14 दिन तक घर के अंदर ना जाकर जहां रात होगी वहीं रुकूंगा और वहीं से अगले दिन सुबह शुरू करूंगा। पिथौरागढ़ की स्थानीय विधायक चंद्रा पंत ने दिगतोली गांव के लिए आंवला घाट पेयजल योजना का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने विधायक निधि से बनी दिगतोली से झूनखोली तक की 3 किलोमीटर सड़क का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। देखिए, ये बहुत दूरस्थ क्षेत्र था और यहाँ के लोगों की बहुत आवश्यकता थी कि यहाँ रोड हो और विकास हो। इस उद्देश्य से हमने यहाँ विधायक निधि से ये रोड काटी है और पेयजल की जो व्यवस्था थी यहाँ पर, पेयजल की भी काफ़ी समस्या थी, उस पेयजल के लिए भी हमने आंवला घाट योजना से पेयजल इनको उपलब्ध कराया है। और निश्चित ही इस रोड के कटने से जो दूरस्थ क्षेत्र है, जो जनता बहुत परेशान थी, उसे इनको लाभ मिलेगा और यहाँ का विकास होगा। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र मेहर और सांसद प्रतिनिधि संतोष गोस्वामी के नेतृत्व में युवाओं के द्वारा प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और बैंकों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं के साथ लोन देने की योजनाओं के नाम पर मात्र मजाक किया गया। उन्होंने कहा कि लोन देने के नाम पर बैंक अपनी मनमानी चला रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश सरकार और जो जिला प्रशासन है उनकी लापरवाही के चलते जो पिथौरागढ़ में बैंक है, हम ये कहें प्रदेश के जितने भी बैंक हैं, वो लोन के नाम पे यहाँ पे युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की जो डबल इंजन सरकार है उसने पहले कहा कि MSME के नाम पे, PME, GP के नाम पे वो अपनी पीठ तो थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो प्रवासी भाई बंधु हमारे यहाँ आए हैं हम उनको स्वरोजगार के नाम पे लोन दे रहे हैं, और जिसमें एक कमेटी गठित हो रही है जिसमें DM भी बैठ रहे हैं, उद्योग विभाग के लोग भी बैठ रहे हैं, अन्य तमाम अधिकारी भी बैठ रहे हैं, और लेकिन धरातल पे अगर हम देखें तो किसी भी युवा को जो है लोन नहीं दिया जा रहा है, बैंक अपनी मनमानी चला रहे हैं, कागजों के नाम पे उनको ठगा जा रहा है, युवाओं का शोषण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में BJP सड़कों पर उतर आई है। BJP कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में पंजाब सरकार का पुतला दहन करते हुए प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार पर साजिश के आरोप लगाए। कल जिस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है और पंजाब सरकार की सह पर, पंजाब पुलिस की सह पर जिस प्रकार से आंदोलनकारियों ने, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो जानलेवा हमला ही हम कहेंगे उसको, जिस प्रकार से मोदी जी का रास्ता बाधित करके उनके जान को जोखिम में डालने का कार्य किया, यह कांग्रेस की सह पर हुआ है। आज इसी के विरोध स्वरूप कांग्रेस को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के पंजाब सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है।